कल्पना करिए कि आप एक पार्टी में जाते हैं और वहां पे बहुत अच्छे तरीके का खाना बुफे में सर्व हो रहा है। वहां पर खाने की कोई लिमिटेशन नहीं है, आप जो चाहें जितना चाहें उतना खाना खा सकते हैं। तो क्या आप वहां पे इतना खाना खा सकते हैं कि आपको हफ्ते दो हफ्ते खाना खाने की जरूरत ही ना पड़े? क्या ऐसा संभव है? हम अपने एक्सपीरियंस से जानते हैं कि ये संभव नहीं। हम चाहे जितना भी खाना खा लें, हमें अगले दिन भूख लगी जाती है। हम अगर अपने शरीर को स्वस्थ रखना चाहते हैं तो हमें रोज कई बार रेगुलर इंटरवल पे खाना खाने की जरूरत होती है। कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो एक बार खाना खा ले और उसके बाद में उसको दोबारा खाने की जरूरत ना पड़े। जिस तरीके से शरीर को स्वस्थ रखने के लिए उसे हमें रोज पोषण देने की जरूरत होती है, उसी तरीके से अगर हम जीवन में खुश रहना चाहते हैं तो हमें अपने शरीर के साथ साथ में अपने दिमाग को, अपने दिल को और अपनी आत्मा को नित्य पोषण देने की जरूरत है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं शरीर की बात करते हैं। हमें शरीर को रोज पोषण देना चाहिए, प्रॉपर न्यूट्रिशमेंट देना चाहिए। हमें हेल्दी खाना खाना चाहिए, हमें एक्सरसाइज करनी चाहिए, हमें अपनी जो बॉडी है उसको एक्टिव रखना चाहिए, उसका इस्तेमाल करते रहना चाहिए। उसी तरीके से हमारा जो दिमाग है उसको भी हमें डेली न्यूट्रिशमेंट देने की जरूरत है। जब हम स्कूल्स में रहते हैं, कॉलेजेस में रहते हैं, तो हम रोज कुछ ना कुछ पढ़ते हैं और कुछ ना कुछ सीखते हैं, कुछ प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं और इस तरीके से जो हमारा माइंड है वो लगातार ग्रो करता रहता है। लेकिन जब हम बड़े हो जाते हैं तो अक्सर हम दिमाग का इस्तेमाल करना बंद कर देते हैं क्योंकि जिंदगी एकदम रूटीन बन जाती है। तो जब भी हमारी जिंदगी में कोई समस्या आए तो हमें उसको एक मेंटल एक्सरसाइज की तरह देखना चाहिए, एक पजल की तरह, एक क्विज की तरह देखना चाहिए और उसको सॉल्व करने के इंटरेस्टिंग तरीकों की खोज करनी चाहिए। और इस तरीके से आप देखेंगे कि हर प्रॉब्लम को जब आप सॉल्व करेंगे तो आपका जो दिमाग है उसको उसका डेली न्यूट्रिशमेंट मिलेगा। इसी तरीके से हम कुछ ना कुछ सीखें, दूसरों से सीखें, किताबें पढ़ के सीखें, तो इस तरीके से आप देखेंगे कि जो आपका माइंड है उसको डेली न्यूट्रिशमेंट मिलेगा। हमें अपने दिल को भी डेली न्यूट्रिशमेंट देने की जरूरत है और ये हमें तब मिलता है जब हम लोगों को प्यार करते हैं और हमें लोगों का प्यार मिलता है। और हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि जब हम लोगों को प्यार देते हैं तभी हमें लोगों का प्यार मिल सकता है। और इसीलिए अगर हम चाहते हैं कि हमारा जो दिल है वो खुश रहे तो हमें लोगों को प्यार करने की जरूरत है और फिर हमें जब उसके बदले में प्यार मिलेगा तो जो हमारा दिल है वो खुश रहेगा और इस तरीके से हमें उसको डेली न्यूट्रिशमेंट देने की जरूरत है। और जब हम लोगों को प्यार करेंगे और हमें लोगों से प्यार मिलेगा तो हमारा जो दिल है उसको डेली न्यूट्रिशमेंट मिलेगा। तो रोज हमको कुछ ऐसा करने की कोशिश करना चाहिए जिससे हम लोगों को खुश कर सकें, लोगों की जिंदगी में कुछ खुशियां लाएं, उनके दिल में कुछ प्रसन्नता लाएं। और जब हम ऐसा करेंगे तो हम अपने दिल को भी रोज जो है न्यूट्रिशमेंट प्रोवाइड करेंगे। इसी तरीके से हमें अपने आत्मा को भी जो है डेली न्यूट्रिशमेंट देने की जरूरत है। हमारी जो आत्मा है वो ईश्वर का स्वरूप है। इसको हम किसी मटेरियल चीज से, भौतिक चीज से खुश नहीं कर सकते। हमारी आत्मा का पोषण तब होता है जब हम कुछ अच्छा काम करते हैं और जब हम कोई बुरा काम करते हैं तो जो हमारी आत्मा है वो जो है स्टार्व करने लगती है। तो दोस्तों हमें अपनी आत्मा की भी रोज देखभाल करने की जरूरत है। अगर आप एक धार्मिक व्यक्ति हैं तो आप रोज थोड़े समय के लिए ईश्वर का ध्यान लगाएं, उसकी प्रार्थना करें और उससे जो है आपकी आत्मा का पोषण होगा। और अगर आप एक धार्मिक व्यक्ति नहीं भी हैं तब भी जो है आप अगर ईश्वर की बनाई गई रचना यानी कि इंसान, जानवर, पेड़, पौधे, इनको अगर आप किसी तरीके से न्यूरिश करते हैं, इनको आप किसी तरीके से हेल्प करते हैं तो भी जो है आपकी जो आत्मा है उसको जो है उसका न्यूट्रिशमेंट मिल जाएगा। तो दोस्तों अगर हम एक अच्छी जिंदगी जीना चाहते हैं और हम आनंद से रहना चाहते हैं तो हमें शरीर, दिमाग, दिल और आत्मा इसकी रोज देखभाल करनी पड़ेगी।
इसको रोज कुछ ना कुछ न्यूरिशमेंट देना पड़ेगा। हम ये नहीं सोच सकते कि हमने एक दिन कर लिया और बाकी दिन हम इसकी चिंता ना करें। जैसे हमें रोज खाने की जरूरत पड़ती है, वैसे ही हमें रोज जो है अपने शरीर, दिमाग, दिल और आत्मा को न्यूरिश करने की जरूरत पड़ेगी, तभी जो है हम अपने को खुश रख सकते हैं और एक अच्छी जिंदगी जी सकते हैं।